और मंत्री अनिल राजभर से भी न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता ने बात की। उन्होंने हाथरस हादसे को लेकर क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। सरकार के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री, साथ ही साथ सरकार में प्रवक्ता अनिल राजभर। मंत्री जी, जिस तरीके से लगातार हाथरस को लेकर चीजें चल रही हैं, एसआईटी रिपोर्ट भी सौंप दी गई है, गृह विभाग के पास आ गई है, परीक्षण हो रहा है, क्या कुछ चीजें अभी तक आई हैं? देखिए, हम सब लोगों को थोड़ा, मैं समझता हूँ 24 घंटा थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। अब रिपोर्ट आ गई है, पहले दिन ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। कहीं से किसी का भी कोई दोष होगा उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और उत्तर प्रदेश की सरकार जब कार्रवाई करती है तो आप जानते हैं, कार्रवाई करने के मामले में हमारा कोई शानी नहीं है। अब रिपोर्ट आ गई है, जिसका भी कहीं से कोई भी दोष होगा सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कोई बचेगा नहीं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, सरकार इस पर भी विचार कर रही है। देखिए, आयोजन करने वाले लोग एक निश्चित संख्या बताकर परमिशन ले लेते हैं, बाद में मनमाना करते हैं और परिणाम स्वरूप ऐसी घटनाएं घटती हैं। इन तमाम बातों पर सरकार बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है। माना जा रहा है कि उनकी विफलता थी जो इतनी भीड़ का मैनेजमेंट नहीं कर पाए, तो मानते हैं उन लोगों पर भी एक्शन होगा? बिल्कुल, मैंने कहा चाहे जो भी हो, अगर किसी की कमी की वजह से, किसी के जिम्मेदारी का जो उनकी जिम्मेदारी है उसके निर्वाह के क्रम में अगर किसी से कोई लापरवाही हुई है तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कोई हो। सख्त कार्रवाई करेंगे, देश के अंदर एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ऐसी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की विभीषिका आई हुई है, खासतौर पर जो अवध के जिले हैं या फिर पीलीभीत जैसे जिले हैं, तो उनको लेकर क्या कुछ इंतजाम कर रहे हैं? हालांकि मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है। नहीं, हर समय मॉनिटरिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, रोज समीक्षाएं हो रही हैं, प्रभारी मंत्री जनपदों का दौरा कर रहे हैं, मैं भी मऊ जनपद होकर आया हूं। बाढ़ चाहे जैसी भी चुनौती प्रस्तुत करेगा उसका हम सामना करेंगे, और मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि बाढ़ की समस्या के अस्थाई समाधान की तरफ सरकार ने बहुत मजबूती के साथ कदम बढ़ाया है। अभी तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से हम बाढ़ की समस्या का समाधान हमने कर दिया है, लेकिन आने वाले समय में निश्चित तौर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जहां न जन की हानि हो न धन की हानि हो, हमारी जनता सुरक्षित रहे, बाढ़ के खतरे से पूरी तरीके से बाहर रहे, इस तरह का हम लोग प्रयास करते हैं। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर, जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो भी रिपोर्ट आई है उसका परीक्षण किया जा रहा है, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा, और कहीं न कहीं हमारी कोशिश भी है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन हो। बाढ़ को लेकर भी पूरे इंतजाम है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ में एसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ।